देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी द्वारा आज 26 लोकसभा क्षेत्र पीलीभीत के नव निर्वाचित प्रत्याशी मोहम्मद हनीफ और जिलाध्यक्ष नासिर कमाल के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोकसभा प्रत्याशी मोहम्मद हनीफ मीडिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि केंद्र सरकार में हमारी पार्टी की भागीदारी होने पर हम पीलीभीत को औद्योगिक हब बनाएंगे, जिससे जिले के बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलेगा। साथ ही कम सब्सिडी पर लोन भी दिलाया जाएगा, जिससे वह निजी उद्योग लगा पाएंगे। किसानों के लिए आयोग गठित किया जाएगा। सड़कों पर आवारा घूम रहे पशुओं के लिए पशुशाला का निर्माण किया जाएगा। देश के लिए शहीद होने वाले सैनिकों के लिए 1 करोड़ का मुआवजा। महिलाओं और नाबालिग बच्चों की सुरक्षा की व्यवस्था। गरीबों का निःशुल्क इलाज और अधिवक्ताओं का 1 करोड़ का दुर्घटना बीमा करवाया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान लोकसभा प्रत्याशी मोहम्मद हनीफ ने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 30 वर्षों से पीलीभीत की सांसद रहे मेनका और वरुण गांधी ने कुछ स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर पीलीभीत को लूटा है, पर अब यहां की जनता जागरूक हो चुकी है और किसी भी भारी व्यक्ति को आने नहीं देगी। मेरा एजेंडा रहेगा, सर्वप्रथम किसानों की समस्या का निस्तारण कराना, निर्धनों पुअर को उनका हक दिलाना, बेरोजगारों को रोजगार दिलाना, ये हमारा पहला एजेंडा है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।